हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, मेथड है, वो भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज पूरा डिटेल इसके ऊपर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज करें तो इजी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले इनके सारे वर्ड का ऑपरेशन करते हैं। पेयर वर्ड, यहाँ पे जो पेयर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? पेयर वर्ड का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो इन क्वांटिटी, ठीक है, टू इन क्वांटिटी ये बोल सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़। ठीक है, पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ा हो गया, और दो इन क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ जोड़े में हो, दो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, पेयर लग गया यानी कि दो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो इसमें हम लोग लीनियर वर्ड का ऑपरेशन करते हैं। पहले वेरिएबल्स समझ लेते हैं। तो आप 6 क्लास से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो, 6 क्लास में ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6 क्लास के अंदर पढ़ के आए हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट, और क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? कांस्टेंट, वेरिएबल्स, मैथमेटिकल्स टूल्स होता है, मैथमेटिकल्स टूल्स होता है। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं? सिंपल रियल नंबर बोल सकते हैं। जितने भी रियल नंबर हैं उनको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है स्टूडेंट? वेरिएबल्स होता है जिनका वैल्यू चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे कि हम लोग एक्स, वाई, जेड, एस, टी, यू, वी, इस तरह का हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई। मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जिससे हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं, जिस टूल्स की हेल्प से मैथ को सॉल्व करते हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब मैथमेटिकल टूल्स होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वह एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसके पास कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और मैथमेटिकल टूल्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक्स प्लस टू, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स क्या है? वेरिएबल है। प्लस क्या है? मैथमेटिकल टूल्स है। और टू क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है पता चल गया? वेरिएबल जो होता है यानी इस तरह का नंबर जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, वो वेरिएबल में आता है। कॉन्स्टेंट क्या होता है? नंबर होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। मैथमेटिकल टूल्स प्लस माइनस, यहाँ पे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू, तो आप देख लो यहाँ पे प्लस माइनस यूज हुआ, ये मैथमेटिकल टूल्स है और ये भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, मैथमेटिकल टूल्स होगा। ठीक है, अब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको रिवाइज क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपको लीनियर समझ में आ सके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई तरह का होता है, ठीक है ना स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये भी हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में, लेकिन वो फर्दर क्लासेस के अंदर, फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्यूबिक, ठीक है, उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक, इतने तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल जो हम यहाँ पे जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे x प्लस टू लिखा मैंने, तो यहाँ पे आप देखो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 1 होता है, तो उसे हम लोग लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैटेगरी में रखते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि जिस वेरिएबल का, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। जैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस प्लस टू, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिखेगा? 2 दिखेगा, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिखेगा? 1 दिखेगा, तो वो लीनियर कहलाएगा। इसी तरह अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 दिख जाएगा तो वो क्यूबिक कहलाएगा, और बाइक्वाड्रेटिक जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 दिख जाएगा तो ये बाइक्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से समझ में आ गई, पेयर आपको समझ में आ गया कि पेयर क्या होता है, लीनियर क्या होता है। लीनियर यानी कि जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशन वर्ड का ऑपरेशन करते हैं। इक्वेशन क्या होता है?
तो इक्वेशन हो गया, जैसे कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे एक्स लिखे और इक्वल टू टू लिख दिए, तो समथिंग यानी ये क्या है, कुछ है, कुछ है ये और ये भी कुछ है, तो समथिंग इक्वल टू समथिंग यानी समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब समथिंग इक्वल टू समथिंग यानी कोई चीज़ समथिंग इक्वल टू समथिंग, ठीक है, समथिंग इक्वल टू समथिंग हो जाए, कोई चीज़ किसी चीज़ के इक्वल हो जाए, मतलब वहाँ पे इक्वल लग जाए, तो वो इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि ये तो अभी एक्सप्रेशन है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है क्योंकि अभी यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही हम x प्लस टू इक्वल टू जीरो लिख देंगे, जैसे जैसे समथिंग इक्वल टू जीरो कर दिए, मतलब इक्वल का साइन वहाँ आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि पेयर क्या होता है, जोड़ा जिसको दो क्वांटिटी वाले को पेयर में बोलते हैं, लीनियर क्या होता है, जो हम अल्जेब्रिक, मतलब लीनियर क्या होता है, एक तरह का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल जो होता है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो वो लीनियर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन इक्वेशन बनने के लिए उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, उस लीनियर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसके इक्वल होना होगा, किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ के इक्वल होना होगा, यानी कि वहाँ पर इक्वल टू का साइन आना होगा, इक्वल टू का साइन आएगा जब ही वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, इन टू वेरिएबल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, टू वेरिएबल्स, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, एक बार मिटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, तब तक आप क्या करो, पॉज करके इसको नोट कर लो सब सारी चीज़ों को। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पेयर पढ़ लिए, पेयर क्या होता है, जोड़ा, ठीक है, दो इन क्वांटिटी, लीनियर क्या होता है, एक लीनियर जो है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है, लीनियर एक्सप्रेशन एक तरह का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल जो यूज करते हैं उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, वन होता है। इक्वेशन क्या होता है, जब समथिंग इक्वल्स टू समथिंग यानी कोई चीज़ किसी चीज़ की इक्वल हो जाए, यानी कि वहाँ पर इक्वल टू का साइन लग जाए, तो वो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, तो देखो अभी हम मैंने लिखा था यहाँ पे x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, x क्या है, वेरिएबल है, टू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट, वन यूज हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, लीनियर, और इक्वल टू लग गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ध्यान दो कि टू थ्री जीरो ये सब कांस्टेंट में आ गया, ठीक है, नंबर है इसलिए कांस्टेंट कहलाएगा, और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है स्टूडेंट, वन दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन है, ठीक है। बट अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप यहाँ पे काउंट करो कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, एक वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ पर भी कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव, इस तरह का इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ पे कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, तो आप बोलोगे एक और दो, दो वेरिएबल, तो यही वाला चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन एस ये वाला हमें पेयर में पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, इसे आप क्या बोलोगे, इस चीज़ को आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ठीक है, इसी चीज़ को आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आई यहाँ तक आपको, ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो गया। अब हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ तक आप क्या करना है, पॉज करके नोट करते जाना, आपको जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको नोट करते जाओ। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़े थे, ठीक है। जो चीज़ अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, ये आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है, इसलिए बस मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है, लेकिन अभी आपको टेंथ में जो पढ़ना है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है बट आपको उसको पेयर में पढ़ना है, ठीक है ना, दो चीज़ में पढ़ना है। तो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड तरीके से, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या फिर जनरल फॉर्म कह लो, ठीक है ना, जनरल फॉर्म, जनरली हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लो, आपसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर होता है ना स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, तो आप बोलोगे कि पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशनल नंबर का। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है।
देख लो ध्यान से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो होता है ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां ए को क्या बोलेंगे, ए बी और सी को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ए बी सी को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, और एक्स और वाई को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्स और वाई को वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बी सी क्या है, कोफिशियंट्स, और एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है स्टूडेंट, एक चीज की, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए और बी। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे लिखने के बजाय, ए कॉमा बी बोथ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। यदि दोनों में से, अगर आप दोनों को जीरो रखते हो तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज आप मान लो ए की जगह पे आपने जीरो ले लिया, बी की जगह पे भी आपने जीरो ले लिया, और सी की जगह पे सपोज आपने फाइव ले लिया, अब आप यहाँ पे जीरो पुट करो तो देखो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई, सॉरी ए की जगह पे आपने क्या ले लिया, जीरो मल्टीप्लाई एक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, बी की जगह पे भी जीरो ले लिया प्लस सी की जगह पे फाइव इक्वल टू जीरो, तो आप देखो ये तो पूरा जीरो हो गया और फाइव इक्वल टू जीरो हो गया, और इस तरह से ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, फाइव कभी भी जीरो के इक्वल होता है क्या, नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑपरेशन नंबर में ध्यान रखते हो ना कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नीचे अगर जीरो आ जाता है तो वो नॉन डिफाइन हो जाता है, वो डिफाइन नहीं होता, मतलब अनडिफाइन हो जाता है, इसको इसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ए अगर जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, तो ये भी देखो आउट ऑफ डेफिनेशन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, फाइव कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है आपको कि ए और बी बोथ जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, इसको इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए और बी बोथ जीरो नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग, ये तो हम लोग लैंग्वेज में लिखे, मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग ये होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट, पेयर क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन हम लोग देखे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक तरह का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और इक्वेशन है तो वहाँ पे इक्वल टू लगेगा, इक्वल टू में कोई वैल्यू होगा, लीनियर का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो भी वहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है उसका हाईएस्ट पावर वन होगा, ठीक है। दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल बोल रहा है, तो यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, अब हम लोग पेयर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें तो यहाँ पे ये तो हो गया एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, लेकिन हमें दो लीनियर इक्वेशन एक साथ पढ़ना है, तो उसे हम लोग कैसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इकट्ठा, पूरा एक साथ बात कर लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो ये होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा होता है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो होता है ये पूरा क्या कहलाता है, पेयर ऑफ, ये दोनों, इन दोनों को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ऊपर वाला भी एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे वाला भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो अलग होगा, यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो अलग होगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये दोनों कोफिशियंट अलग अलग होगा, इसी तरह यहाँ पर अलग होगा, तो ये जो है कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप नाइन्थ क्लास में ग्राफ खींचना भी सीख रखे हो, नाइन्थ क्लास में आपको ग्राफ खींचने के लिए सिखाया गया है। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है, अगर आपको इसको ग्राफ खींचना होगा, इसका ग्राफ खींचना होगा तो कैसे खींचोगे, तो हम लोग इसके लिए टेबल बनाते हैं, ऐसे करके टेबल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, यहाँ x और यहाँ y लेते हैं। अब x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू सपोज जीरो ले लिए, ठीक है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई जीरो प्लस 3 वाई इक्वल्स टू 5, तो
ये गया, और यहाँ पे y क्या आ गया स्टूडेंट, 5/3, ठीक है। तो x जब 0 लिए तो y क्या आ गया, 5/3 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप y को 0 कर लोगे तो 2x + 3 × 0 = 5, तो 2x = 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/2, ठीक है। तो जब आपने y 0 लिया तो x क्या आ गया, 5/2 आ गया। अब अगर आप इसको ग्राफ पे बनाना चाहो, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहो इस लीनियर इक्वेशन को, तो ऐसे आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ए वाई एक्सिस, ठीक है, और x एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, x एक्सिस, ठीक है। ये x डैश x हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, और ये ओरिजिन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे x जब 0 है, यानी x 0 है तो y क्या आ रहा है, 5/3 हो रहा है। चलो पहले मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो x को जब हम 0 रख रहे हैं, x को 0 ले रहे हैं, तो y क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आप देखो, x जब 0 है, x 0 है तो y क्या है, 5/3 है, तो 5/3 6 और 5 के बीच में होगा कहीं पे, 5/3, ठीक है। उसी तरह से y जब 0 है तो x 5/2 है, तो 5/3 यहाँ नहीं होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 5/3 निकालेंगे तो 5/3 मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड करें तो 1 point something आएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा 5/3 1 और 2 के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरा है 5/2 और 0, यानी y 0 होने पे 5/2, यानी कि 5/2 का मतलब क्या हो गया, 5/2 का मतलब हो गया, 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5, तो ये क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो इन दोनों पॉइंट को, जो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में और 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट आ रहा है, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो इससे क्या बन के आया, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा था, 0 0 और 5.3 था, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आया, 5/2 और 0, ठीक है। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा ऑलवेज। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन उठाओ रेंडमली बुक में भी देखो, और उसे जब ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन देगा। आप करके देख लेना, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है फ्रैक्शन में ले लिया, आप ट्राई ऐसा करना कि कोई पॉइंट फ्रैक्शन में ना निकले, कोई अलग भी पॉइंट आप निकाल करके कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप करोगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व ग्राफिकली तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले क्लास के अंदर और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन इसका पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हुए फिर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेहतर तरीके से। ये एक बार रिवाइज कराना था, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होगा कि नहीं पता होगा, वो 9th क्लास से पढ़ के आए होंगे, भूल गए होंगे, तो मैंने बेसिकली पूरा स्टार्ट किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, और पूरा यहाँ तक मैंने बताया। आज के क्लास में मैंने ये बता दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, और उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास के अंदर हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।